अभिजीत बिचकुले ने शर्ट उतारकर प्रतीक सेजपाल से कहा, एक बाप की औलाद है तो मार मुझे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बॉलीवुड डॉम। बिग बॉस 15 के घर में टास्क के दौरान कंटेस्टेंट के बीच लड़ाई झगड़े होना आम बात है। इतना ही नहीं, टास्क के दौरान हर कोई एक दूसरे पर पर्सनल कमेंट्स करने लगता है। बिग बॉस 15 के आज रात के एपिसोड में हम देखेंगे कि अभिजीत बिचकुले और प्रतीक सेजपाल के बीच भयंकर लड़ाई होगी। दोनों में तीखी नोकझोंक होती है और एक दूसरे को गालियां देना शुरू कर देते हैं। एक प्रोमो में अभिजीत आग बबूला हो जाते हैं और अपनी शर्ट उतार देते हैं। इतना ही नहीं, अभिजीत उस दौरान प्रतीक को उन्हें मारने की खुली चुनौती देते हैं। देवोलीना भट्टाचार्य भी इस लड़ाई में बीच में कूद पड़ती है, जिससे अभिजीत और देवोलीना के बीच में बड़ी लड़ाई हो जाती है। कुछ ही समय में उनके बीच में चीज़ें बिगड़ जाती हैं। अभिजीत बिचकुले कहते हैं कि ये आदमी वो दरिंदा है। यहाँ सुनकर प्रतीक सेजपाल बहुत नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि वहाँ उनके चेहरे पर मुक्का मार देंगे। अभिजीत फिर अपना आपा खो देते हैं और अपनी शर्ट उतार देते हैं। उन्होंने प्रतीक को चुनौती देते हुए कहा, अगर एक बाप की औलाद है तो मार मुझे। देवोलीना बीच में आती है और प्रतीक सेजपाल का सपोर्ट करती है। इससे अभिजीत और देवोलीना के बीच में बड़ी लड़ाई हो जाती है। देवोलीना अभिजीत से पूछती है, एक आदमी का बेटा कौन है? इसके बाद अभिजीत बताते हैं कि यहाँ प्रतीक था जिसने सब कुछ शुरू किया, लेकिन वो उससे कुछ नहीं कहेगी। और साथ ही दोस्तों, अगर ताज़ा रिपोर्ट्स की माने तो आज रात के एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि उमर रियाज को घर से बाहर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, आपका क्या है कहना बिग बॉस को लेकर और प्रतीक सेजपाल और अभिजीत की लड़ाई को लेकर? क्या आप लोग चाहते हैं कि उमर रियाज को घर से बाहर कर दिया जाए या फिर वो घर में अभी और बने रहें? आपकी जो भी हो रहा है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।